नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन वीडियो अनुज चैनल पर। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान स्वस्थ आहार के बारे में। गर्भावस्था के समय सही पोषण और संतुलित आहार न केवल मां बल्कि बच्चे के स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं प्रेगनेंसी के दौरान कौन से आहार को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान संतुलित आहार का सेवन अत्यंत आवश्यक है। यह मां और बच्चे दोनों के स्वस्थ विकास में मदद करता है। संतुलित आहार में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन और फाइबर शामिल होते हैं जो शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। फलों और सब्जियों का सेवन गर्भावस्था के दौरान बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें विटामिन और मिनरल्स की प्रचुर मात्रा होती है जो माँ और बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। संतरे, सेब, गाजर, पालक और ब्रोकोली जैसे फलों और सब्जियों को अपने आहार में शामिल करें। प्रोटीन और कैल्शियम का सही मात्रा में सेवन गर्भावस्था के दौरान आवश्यक है। यह बच्चे की हड्डियों और मांसपेशियों के विकास में मदद करता है। दूध, दही, पनीर, अंडे और दालों का सेवन नियमित रूप से करें। प्रेगनेंसी के दौरान हाइड्रेटेड रहना भी बहुत जरूरी है। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिएं। नारियल पानी, छाछ और ताजे फलों का रस भी हाइड्रेशन के अच्छे स्रोत हैं। प्रेगनेंसी के दौरान हल्के फुल्के और स्वस्थ स्नैक्स का सेवन भी महत्वपूर्ण है। मेवे, बीज और होल ग्रेन क्रैकर्स जैसे स्वस्थ नाश्ते आपके शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं और भूख को नियंत्रित रखते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ स्वस्थ आहार के टिप्स जो प्रेगनेंसी के दौरान आपको और आपके बच्चे को स्वस्थ रखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल इन वीडियो एनुज को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।